वेलकम बैक टू एंटरटेनमेंट वाइन। बॉलीवुड के छुपे हुए कुछ राज। बॉलीवुड की सिर्फ अवल की हीरोइंस की जिंदगी के कुछ राज ऐसे भी हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। बॉलीवुड अदाकारों के बहुत से फैन अपने फेवरेट स्टार्स की जिंदगी के बारे में हर बात जानना चाहते हैं और हर वक्त मंजरे आम पर रहने की वजह से इनकी जिंदगी खुली किताब की तरह होती है। बॉलीवुड के हीरोइंस के जिंदगी के कुछ राज ऐसे भी हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी खूबसूरती के बल पर करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाली मलका हुसन ऐश के बारे में इनके डाई हार्ड फैंस भी शायद ये नहीं जानते कि ऐश्वर्या को दो नहीं बल्कि छह जुबानें आती हैं, तुलु, तेलुगु और मराठी के अलावा फिल्म रेनकोट के लिए ऐश ने बंगाली भी खसूसी तौर पर सीखी। लेकिन जनाब दुनिया भर में शोहरत हासिल करने से पहले ऐश के टीवी सीरियल की डबिंग जॉब के लिए भी रिजेक्ट कर दिया गया था। करीना कपूर। करीना कपूर का नाम किस तरह रखा गया ये भी एक दिलचस्प कहानी है। हुआ कुछ यूं कि करीना की दुनिया में आने से पहले इनकी वालदा जो किताब पढ़ रही थी इसका नाम ऐना करनीना था। तो बस जब करीना इस दुनिया में आई तो उनकी वालदा इनका नाम करीना ही रख दिया। दीपिका पाडुकोण। बॉलीवुड के 500 करोड़ क्लब में दाखिल होने वाली वाहिद मेगा हीरोइन दीपिका पाडुकोण रेस टू कॉकटेल और चेन्नई एक्सप्रेस से लेकर गलियों की रासलीला रामलीला तक बैक टू बैक एक से एक बढ़कर हिट मूवी दे चुकी हैं। वो इस वक्त बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारा हैं और इनको जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा शौक है वो है खाना खाना। जी हाँ, दीपिका को खाने पीने का बेहद शौक है। वैसे इनके परफेक्ट फिगर को देख के इस बात पे यकीन करना बहुत मुश्किल है। विद्या बालन। वर्सटाइल एक्ट्रेस के तौर पर शनाख्त बनाने वाली विद्या बालन को शोहरत और नाम हासिल करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। इन्होंने बॉलीवुड में कामयाबी से पहले बहुत से कमर्शियल्स में काम किया लेकिन फिल्मों में किस्मत आजमाई के तौर पर साउथ में भी कोई कामयाबी ना मिल सकी। क्या आपको मालूम है कि फिल्म परी नेता के लिए विद्या को 140 स्क्रीन टेस्ट देने पड़े और 17 मरतबा मेक शॉट्स करवाने पड़े। शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी को भला किस चीज़ से खौफ आता है? जी हाँ, शिल्पा शेट्टी को डर लगता है ड्राइविंग से। शिल्पा ड्राइव नहीं कर सकती और यही वजह है कि वो जहाँ जाती हैं ड्राइवर के साथ ही जाती हैं। कैटरीना कैफ। क्या आप जानते हैं कि कैटरीना कैफ हर फिल्म की रिलीज से पहले सिद्धिविनायक मंदिर, माउंट मैरी चर्च और दरगाह अजमेर शरीफ का दौरा करती हैं? कैटरीना के बारे में एक और काबिल जिक्र बात यह है कि वो भारत की ऐसी खतून हैं जिसकी सबसे ज़्यादा तस्वीरें खींची जाती हैं। सुष्मिता सेन। कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता और ये साबित कर दिखाया सबका मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन ने। सुष्मिता सेन का पालतू जानवर कोई कुत्ता बिल्ली नहीं बल्कि एक अजदहा है। प्रीति जिंटा। फिल्मों में एक्टिंग के अलावा डिंपल ब्यूटी प्रीति जिंटा गैर मुल्की नशरियाती अदारे BBC ऑनलाइन के साउथ एशिया सेक्शन के लिए कॉलम भी लिखती थी। प्रियंका चोपड़ा। एक्टिंग और सिंगिंग में अपनी सलाहियतें मनवाने वाली प्रियंका चोपड़ा को JP दत्ता ने अफराव जान फिल्म टाइटल रोल के लिए इनको ऑफर किया था लेकिन इन्होंने ब्लफ मास्टर की वजह से इनकार कर दिया। ये किरदार बाद में ऐश्वर्या राय बच्चन ने अदा किया। प्रियंका पहली भारतीय एक्ट्रेस हैं जिनको बैन अल-अक़वामी डिजाइनर ब्रांड गेस का फेस मुंतब किया गया। परिणीति चोपड़ा। परिणीति चोपड़ा पढ़ाई में बहुत तेज थी। इन्होंने भारत में 12 स्टैंडर्ड के एग्जाम में टॉप किया था। इन्हें इस कारनामे पर भारतीय सदर की जानिब से एजाज से भी नवाजा गया। बॉलीवुड ज्वाइन करने से पहले परिणीति मैनचेस्टर में रहती थी और मशहूर फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए काम करती थी। ये थे हमारे कुछ फेवरेट हीरोइंस के राज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.